Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. In continuation to our revision series for CA final in direct taxes, GST के अंदर we are going to talk about e-way bill. ठीक है? Chapter number 1 to 8 आपके complete upload हो चुके हैं. All the chapters बचे हुए जो आपके procedural chapters हैं वहाँ पे we are trying to focus more on exam oriented areas. ठीक है? तो एग्जाम ओरिएंटेड के लिए आपका ई-वे बिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ इसके अंदर यू नो स्पेसिफिक्स है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट वहां से बन सकते हैं. करें स्टार्ट. चलो सर, देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट ई-वे बिल. अच्छा, प्लेलिस्ट मैंने अलग क्रिएट कर दिया तो इट विल बी इजी फॉर यू टू ब्राउज थ्रू ऑल द रिसोर्सेस, तो अच्छे से देख लेना. चलो, ई-वे बिल डीलिंग प्रोविजन सर, सेक्शन नंबर 68 रेड विद रूल नंबर 138. दिस इज रिलेटेड टू गुड्स मूवमेंट, नॉट सर्विसेज. सर्विसेज से ई-वे बिल का कोई नाता नहीं है. So this is basically the purpose of e-way bill is to monitor the movement of goods and to avoid tax evasion. मतलब government आपका tax evasion रोकने वाली है, because आपका goods का movement जब होता है, we will study the cases कहाँ कहाँ चाहिए रहता है, consignment value का threshold रहता है, तो उस केस में आपको e-way bill निकालना है. मतलब government को बताना है, ए government सुनना, मेरा movement होने वाला है. So before the movement मैं एक e-way bill generate कर रहा हूँ कि ये movement होने वाला है, इतना इतना value of goods मेरे जाने वाले है. ठीक है, so that is the purpose. चलो, तो ये आपका वे मतलब ट्रांजिट के टाइम आपको बिल जनरेट करना है. रूल 138 वही बोलता है. अब ये बिल होता क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट विच इज जनरेटेड ऑन जीएसटी पोर्टल विच एविडेंसेस मूवमेंट ऑफ गुड्स. आपका ई वे बिल अगर जनरेट हो गया, इसका मतलब गवर्नमेंट को एक इंटीमेशन जा रहा है कि मैं गुड्स का जो है वो मूवमेंट करने वाला हूं. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, बेसिकली जनरल है ये बात कि डिजिटल इंटरफेस रहता है, स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट नहीं रहते हैं, फिजिकल चेकिंग में भी यू नो इसका एक इट इज वेरी एडवांटेजियस ई-वे बिल के थ्रू चेकिंग करना, और बेसिकली गवर्नमेंट को आइडिया लग जाता है कि कौन सी मूवमेंट कहां होने वाली है. प्लस फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, जैसे पहले होता था चेक पोस्ट पे बैठ के एक एक सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करो, वो ई-वे बिल के थ्रू हो जाता है. एंड ओवरऑल लॉजिस्टिकल इंडस्ट्री के लिए भी ये चीज बेटर है, बिकॉज कन्वीनियंस आ चुका है. चलो, अब सर जनरेट कैसे करना है. सो देर आर टू फॉर्म्स दैट आर गोइंग इनटू दे आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज EWB01 एंड EWB02. यहां पे EWB01 दिस इज द बेसिक फॉर्म फॉर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल. ये आप अलग अलग तरीकों से जनरेट कर सकते हो, SMS टूल के थ्रू कर सकते हो, पोर्टल पे जाके कर सकते हो, API लिंकिंग कर सकते हो, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होती है इसके रिस्पेक्ट में, वो भी आप कर सकते हो. API लिंक आपके वेबसाइट, आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, या SMS बल्क अपलोड, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, तो कन्वीनियंस है आपके पास. रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, बेसिकली देखो ई-वे बिल जनरेट कौन करने वाला है. व्हेनेवर देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्ड, तीन तरीके के लोग आने वाले, एक होता है सप्लायर, एक होता है रेसिपिएंट और एक होता है ट्रांसपोर्टर. ओके, तो अब इसके रिस्पेक्ट में देखो, अगर आपको ई-वे बिल जनरेट करना है तो आप रजिस्टर्ड होना मांगता है. आप बिना रजिस्ट्रेशन ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते. क्यों? अरे अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो पैन नंबर चाहिए ना, आपकी पहचान तो होनी चाहिए ना. अगर आज मेरे पास मेरा जीएसटी नहीं है, मेरे पास एक आगे आई विल टेल यू अबाउट एनरोलमेंट नंबर, मेरे पास कोई एनरोलमेंट नंबर नहीं है, तो उसके बिना मैं वहां पे जाके रजिस्टर कैसे करूंगा, ई-वे बिल जनरेट करने के लिए पोर्टल या किसी पे लॉगिन कैसे करूंगा. सो आई नीड टू बी रजिस्टर्ड. सो हूसोएवर इज जनरेटिंग, सप्लायर, रेसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर, दे नीड टू बी हैविंग अ जीएसटी. अब सपोज ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर क्यों नहीं है, अरे 20 लाख के ऊपर उसका टर्नओवर नहीं है. अब वो ट्रांसपोर्टर कह रहा है कि सर ये मात्र ई-वे बिल के लिए, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ई-वे बिल, शुड आई गो एंड टेक द हेडेक ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी. आंसर इज नो. उनको बोला जाता है आप एक एनरोलमेंट नंबर ले लो, 15 डिजिट का ही रहता है, जैसा जीएसटी रहता है, आप एक 15 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर ले लो, उसके थ्रू आपको ई-वे बिल जो है वो जनरेट करना है. सर इसमें से कौन जनरेट करेगा, रुको अभी बताऊंगा, 2 मिनट रुको. ठीक है, सो दिस इज सिमिलर टू जीएसटी नंबर फॉर्मेट, सब कुछ वैसा ही है. और उसका नाम क्या होता है, ट्रांजिन, मतलब ट्रांसपोर्टर का नंबर होता है, उसका आइडेंटिटी नंबर रहता है, तो ये ट्रांजिन नंबर उसको ऑब्टेन करना है. अच्छा, अब एक प्रैक्टिकल इशू आया, एक ट्रांसपोर्टर है वो रजिस्टर्ड है. गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, एक ट्रांसपोर्टर है, लेट्स से अशोका ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये रजिस्टर्ड है ये, लेकिन मोर देन वन स्टेट में रजिस्टर्ड है. अब इसका ये वाला प्रॉब्लम तो नहीं है, ये प्रॉब्लम किसके लिए आता है, जब अनरजिस्टर्ड होता है. अब वो कह रहा है कि मैं कौन सा वाला जीएसटी नंबर यूज करूं फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल. मेरा दिल्ली का जीएसटी अलग है, मेरा महाराष्ट्र का जीएसटी अलग है, मेरा यूपी का जीएसटी अलग है. तो ऐसे केसेस में उनको ई-वे बिल जनरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन एनरोलमेंट नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा. उस नंबर के थ्रू वो ई-वे बिल जनरेट करेंगे रादर देन यूजिंग एनी स्टेट स्पेसिफिक जीएसटी नंबर. बात समझ में आई. चलो, रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर्स विच आर हैविंग जीएसटी इन मल्टीपल स्टेट्स, अब उनके पास एक से ज्यादा जीएसटी है तो वो क्या कर सकते हैं, ये कन्वीनियंस पर्पस के लिए, नहीं तो वो एक जीएसटी के थ्रू भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट ये ऑप्शन है, दे कैन गो एंड ऑब्टेन एंड अप्लाई फॉर यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर. सर ये तो ट्रांजिट नहीं हुआ,
नहीं बेटा जी, ट्रांजिट कब होता है? जब अनरजिस्टर्ड जीएसटी वाला होता है, ठीक है? ये रजिस्टर्ड है लेकिन मोर देन वन स्टेट में रजिस्टर्ड है। तो ये क्या करेगा, अलग अलग जीएसटी का यूज करने की बजाय मैं कॉमन एनरोलमेंट नंबर ले लेता हूं, कॉमन यूनिक एनरोलमेंट नंबर, और मैं अपने किसी भी जीएसटी के थ्रू अप्लाई कर सकता हूं। मतलब फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग दिस एनरोलमेंट नंबर मैं कोई भी स्टेट का जीएसटी यूज करूंगा। एक बार वो वैलिडेट हो जाएगा उसके बाद For the purpose of generation of EV bill, I will use this particular common enrollment number instead of any of the GSTN. ठीक है? चलो, अब सर सबसे मेन बात बताओ, EV bill क्या हर एक requirement में चाहिए? ये है एक माउस, इस माउस की कीमत है 300 रुपए, फॉर एग्जाम्पल, हाँ फॉर एग्जाम्पल, एंड सपोज इसका मैं मूवमेंट करने वाला हूं, क्या इस केस में भी ईवे बिल चाहिए? आंसर इज नो। ऑब्वियसली एक थ्रेशोल्ड रहेगा, थ्रेशोल्ड इज 50,000 रुपीज। तो अगर गुड्स का मूवमेंट होने वाला है गाइज, ये अपना कीवर्ड है मूवमेंट, अगर ये गुड्स 1,00,000 रुपए के लेकिन फैक्ट्री के अंदर ही पड़े हैं तो इसका कहीं पे भी मुझे ईवे बिल निकालने की जरूरत नहीं है। सो द ट्रिगर पॉइंट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000। कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब टैक्सेबल जो गुड्स है उसका वैल्यू प्लस जीएसटी। कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स। आ जाओ, अब सर ये मूवमेंट किस रिस्पेक्ट में हो सकता है? या तो सप्लाई के रिस्पेक्ट में हो सकता है, या रीजंस अदर देन सप्लाई हो सकता है, जैसे डिलीवरी चालान जहां पे मैं इशू कर रहा हूं, जॉब वर्कर को भेज रहा हूं, या फिर इनवर्स सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। मतलब मैंने परचेस किया है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन पर मैं तो रजिस्टर्ड हूं, तो मुझे इसमें गवर्नमेंट को बताना है क्योंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है। ओके, अब सर ये वाला ईवे बिल जनरेट कौन करेगा? पहले तो अंडरस्टैंड करना, ईवे बिल के अंदर दो पार्ट होते हैं, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए में बेसिक डिटेल्स जाती है प्रोडक्ट की, पार्ट नंबर बी में डिटेल्स जाती है व्हीकल की। व्हीकल की मतलब आपका जैसे रोड के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस केस में व्हीकल की डिटेल्स जाती है, ठीक है? और जब तक पार्ट बी आपका जनरेट नहीं होता तब तक ईवे बिल कंप्लीट नहीं माना जाता। चलो, अब सर जनरेट कौन करेगा ईवे बिल? तो ये आपको लर्न करना है, रजिस्टर्ड पर्सन Who causes, causes मतलब जिसने movement करवाया, who causes the movement of goods shall furnish the information in part A of the GST e-way bill. अब सर movement के बाद में generate कर सकता हूं क्या? Answer is नहीं सर, आपको movement से पहले generate करवाना है, और ये कब? जब आपका road का case है। रोड का केस है मतलब अगर वेसल का केस है, एयर का केस है, तो उसमें आप बाद में ईवे बिल जनरेट करके भी दे सकते हो, बट उस केस में गुड्स की डिलीवरी के टाइम आपको ईवे बिल दिखाना पड़ता है रादर देन बिफोर, ठीक है? तो रोड के केस में आपका बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स ईवे बिल जनरेट होना चाहिए, तो ये आपको थोड़ा सा मार्क करना है। चलो, पार्ट ए और पार्ट बी मैंने आपको बता दिया, पेज 21 ICSM पे एक बार रीड कर सकते हो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू। नोट, इफ बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर अनरजिस्टर्ड देन ईवे बिल कौन जनरेट करेगा? ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, इफ ट्रांसपोर्टर डज नॉट हैव अ जीएसटीन तो उसको वो ट्रांजिट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, पार्ट नंबर बी में व्हीकल नंबर डालना जरूरी है, कब? ओनली व्हेन द ट्रांसपोर्ट इज बाय रोड। सर समझ में नहीं आया, अरे मुझे एक बात बताओ, इफ द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय अ वेसल और एयर तो उसमें कोई गाड़ी का नंबर डालोगे? ट्रक का तो नंबर होता है ना, जैसे DL10CK MH12 व्हाटएवर इट इज, लेकिन शिप के केस में और एयरक्राफ्ट के केस में थोड़ी ना कोई नंबर रहता है। तो पार्ट बी के अंदर व्हीकल का नंबर, पार्ट बी के अंदर व्हीकल का नंबर तभी जाता है जब रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो, मतलब ट्रक वगैरह इन्वॉल्व है, कोई कार वगैरह इन्वॉल्व है। बात समझ में आई? एक और चीज जो बच्चे आप थोड़ा सा कभी कभार अनइंटेंशनली सोच लेते हैं कि ये जो ट्रक है, ये जो सर्विस है जो आप ट्रांसपोर्टेशन की ले रहे हो, ये किसी थर्ड पार्टी की है। नो, ये मेरी भी हो सकती है, हो सकता है मेरे ही कंपनी का ट्रक है और मैं ही मूवमेंट करवा रहा हूं, तो मैं अपने ही ट्रक का व्हीकल नंबर और डिटेल्स पार्ट नंबर बी में डालूंगा, ठीक है? तो ये व्हीकल नंबर वाली बात ध्यान रखना। अब फोकस किसके ऊपर करना है? हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स? इफ द सप्लायर इज रजिस्टर्ड एंड अंडरटेक्स टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स। सप्लायर रजिस्टर्ड है, वो बोलता है मैं आपको गुड्स डिलीवर करवा दूंगा, तो इसका मतलब ही इज द वन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट एंड ही हैज टू गो फॉर ईवे बिल पार्ट नंबर ए। इफ रेसिपिएंट अरेंजेस द ट्रांसपोर्ट, रेसिपिएंट ने बोला आप फैक्ट्री के पास छोड़ देना, मैं उठा लूंगा, मैं ले जाऊंगा, तो उस केस में ही इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। थर्ड आपका एक स्पेशल केस बनता है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो उस केस में हम अज्यूम करेंगे दैट मूवमेंट इज कॉज्ड बाय द रेसिपिएंट। पता है क्यों? ऐसा अजम्पशन क्यों लाना पड़ा, ऐसा डीमिंग प्रोविजन क्यों लाना पड़ा? क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो यही तो ईवे बिल जनरेट कर सकता है, बट इसका कंडीशन ये है दैट रेसिपिएंट शुड बी आइडेंटिफाइबल बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर मुझे पता ही नहीं अभी मैं किसके पास भिजवा रहा हूं, तो वो बंदा बेचारा कैसे जनरेट करेगा ईवे बिल? ओके, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन रेसिपिएंट टू जनरेट द ईवे बिल इफ द रेसिपिएंट इज नोन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू। अगर ये 50,000 के ऊपर गया तो ही आपको ईवे बिल लगाना है। पॉइंट नंबर वन, मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू इज एज पर सेक्शन नंबर 15 प्लस जीएसटी।
तो जो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है प्लस टैक्स क्यों? क्योंकि टैक्स के साथ उसका वैल्यू तो बढ़ी जाता है ना, जब टैक्स इन्वॉल्व हो जाता है तो वैल्यू तो बढ़ी जाता है। हमारा फोकस है वैल्यूएशन के ऊपर, हमारा फोकस टैक्सेबल वैल्यू की तरफ नहीं है, हमें इसकी कीमत लगानी है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इट विल इंक्लूड टैक्स एज वेल कि भैया आज इसका कंसाइनमेंट वैल्यू कितना बनता है। ओके, एज डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस बीओएस और डिलीवरी चलान, हालांकि आपका जो बिल ऑफ सप्लाई बनेगा या डिलीवरी चलान होगा उसके अंदर जीएसटी का पोर्शन नहीं होगा, वो तो टैक्स इनवॉइस के केस में होगा। ओके, एंड इफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट बोथ आर इन्वॉल्व देन यू हैव टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई को एक्सक्लूड करना है क्योंकि एग्जेम्प्ट के ऊपर टैक्स ही नहीं है, तो टैक्स इवेजन कैसे होगा? तो गवर्नमेंट डज नॉट केयर अबाउट दैट। चलो, now very very important, two special situations in which e-way bill is required even if the value of consignment is less than 50,000. point number 1, interstate movement of goods by principal to job worker. kya bola maine? interstate movement of goods by supplier principal to job worker. agar interstate movement hai to 50,000 ka value check karna hai jab main job worker ko bhejta hu, lekin interstate hai, delhi se haryana maine bheja, 10 rupaye ka goods tha, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजा, स्टिल इस केस में ईवे बिल चाहिए। दूसरा, इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय अ पर्सन हु इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। सर ये तो कुछ पढ़ा याद आ रहा है, अरे हैंडीक्राफ्ट के बारे में पढ़ा था ना कि सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 2 में एग्जेम्पशंस पड़ी थी कि रजिस्ट्रेशन मत करवाना, मतलब आपको लिमिट मिल जाती है, तो वो रजिस्ट्रेशन आज से जो छुट्टी मिलती है, जो एग्जेम्पशन मिलता है, उसका वन ऑफ द कंडीशंस था आपका ईवे बिल वेरेवर एप्लीकेबल। दूसरा क्या था? पैन लेके रखना है, तो ये हैंडीक्राफ्ट वाले को पैन लेकर भी रखना पड़ता है और ये उसका सेकंड कंडीशन है कि ईवे बिल भी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके रिस्पेक्ट में एक कोई एग्जांपल था क्या? नहीं, एग्जांपल इसके रिस्पेक्ट में आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर दिस इज प्रीटी सिंपल। ओके, यू जस्ट हैव टू सी इंटर या इंट्रास्टेट है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट जॉब वर्कर। चलो, अब सर ईवे बिल जो होता है दैट इज योर इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल में सर वो तीन लोग आपको याद है, बी ए ने पहले बी को ऑर्डर दिया था लेकिन सी ने ए के साथ ऑर्डर प्लेस किया, तो ए ने बी को बोला कि भाई तू मूवमेंट करवा दे सी को। तो देर आर टू सप्लाईज बिटवीन ए एंड बी एंड बिटवीन ए एंड सी, बी और सी के आपस में कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन कम्स, ईवे बिल जनरेट कौन करेगा? गुड्स का मूवमेंट तो इन्वॉल्व हो चुका है, 50,000 के ऊपर गया, तो ईवे बिल जनरेट कौन करेगा? सर ए कर सकता है या फिर बी कर सकता है, डज नॉट मैटर, सी नहीं करेगा। सी तो यार फाइनल कस्टमर है, वो नहीं करेगा, या तो ए जो सी को बेच रहा है उसके रिस्पेक्ट में करेगा या तो बी कर सकता है। ओके, बट क्लैरिफिकेशन इज दैट ओनली वन ईवे बिल इज रिक्वायर्ड, नॉट टू। सप्लाई दो इन्वॉल्व है लेकिन ईवे बिल एक चाहिए। मामला क्लियर है? चलो सर, कन्वेंस कैन बी ओन्ड और हायर्ड, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इट कैन बी रेलवे, एयर और वेसल, कुछ भी हो सकता है, रोड भी हो सकता है, रेलवे भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वेसल भी हो सकता है, बट इन केसेस के अंदर व्हीकल नंबर नहीं चाहिए होगा व्हेन वी टॉक अबाउट पार्ट नंबर बी ऑफ ईवे बिल 01। आई थिंक अब चीजें लिंक हो रही है। चलो नेक्स्ट, गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ये बहुत ही प्रोसीजरल सी बात है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसपोर्ट करवा रहा है देन ही हैज टू जनरेट द ईवे बिल बाय फर्निशिंग द डिटेल्स। इफ नॉट जनरेटेड एंड गुड्स हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, सिर्फ रोड के केस में, देन रजिस्टर्ड पर्सन शल फर्निश द ट्रांसपोर्टर डिटेल्स इन पार्ट नंबर बी एंड ईवे बिल शल बी जनरेटेड बाय द ट्रांसपोर्टर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन पार्ट नंबर ए। सिंपल सी बात उन्होंने क्या बोली, रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर इंफॉर्मेशन फिल करके ईवे बिल को जनरेट नहीं किया, उसी तरीके से गुड्स को ट्रांसपोर्टर को यू नो ही हैंडेड इट ओवर, देन इन दैट केस ट्रांसपोर्टर को मूवमेंट से पहले ईवे बिल जनरेट करना है, मतलब गवर्नमेंट को ईवे बिल चाहिए, अगर उसने नहीं किया तो ट्रांसपोर्टर आप कर लो। ठीक है, इस समय इसमें कुछ नहीं समझना है। गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रेलवे, एयर, वेसल, मैंने आपको पहले ही बताया कि व्हेन वी टॉक अबाउट रोड, रोड के केस में आपको ईवे बिल बिफोर द मूवमेंट, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स जनरेट करना है, लेकिन अगर रेलवे, एयर या वेसल हो तो उस केस में आप बाद में भी कर सकते हो। होता क्या है, ऐसे केसेस में आपको बिल ऑफ लेडिंग या शिपिंग बिल जो मिलता है उसके बेसिस पे यू फिल द इन्फॉर्मेशन इन योर पार्ट नंबर बी ऑफ ईवे बिल 01 एंड ये जनरेट करके आपको आपके रेसिपिएंट को देना पड़ेगा, उसके बिना डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं हो पाएगी। सो योर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट कैन हैपन, मतलब आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डिलीवरी के लिए ईवे बिल जनरेट करके भेजना पड़ेगा। रोड के केस में आपको कमेंसमेंट से पहले ही ईवे बिल जनरेट करना पड़ता है, बस यही फर्क है। ठीक है, बस इस वाले में आपको ऑप्शन मिल जाता है बिफोर या आफ्टर। चलो कुछ और बातें देख लो, ट्रांसपोर्ट बाय रेलवे, एयर और वेसल, नो नीड टू कैरी, मैंने आपको बता दिया गुड्स डिलीवरी वाला। मूवमेंट ऑफ गुड्स इफ इट इज कॉज्ड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन ही मे जनरेट द ईवे बिल। लॉ के हिसाब से किसको जनरेट करना है, रजिस्टर्ड पर्सन को। अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर जनरेट करवाना चाहता है ईवे बिल, कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट्स ओके। चलो अब जरा ये इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे,
ईवे बिल इज वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रोड ओनली व्हेन द इंफॉर्मेशन इन पार्ट नंबर बी इज फर्निश्ड। ये सर हमने पहले भी पढ़ा, आपका जब रोड के थ्रू मूवमेंट होता है आपका ईवे बिल बिफोर मूवमेंट जनरेट हो जाना चाहिए। पार्ट नंबर बी में व्हीकल की डिटेल्स भी जानी चाहिए, वो सब करे बिना आपका रोड के केस में ईवे बिल बन ही नहीं सकता, वैलिड ही नहीं है। रेल और एयर और वेसल के केस में कंडीशंस अलग हो जाती है, वहां पे व्हीकल नंबर वगैरह होता नहीं है तो व्हीकल डिटेल्स पार्ट बी में जाती नहीं है। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब कि ये जो हमने ऊपर रूल बोला पार्ट नंबर बी आपको फर्निश करना है, ये सब करना है, हम आपको एक एग्जेम्पशन देते हैं, आप व्हीकल की डिटेल्स मत डालो। तब सुनना, कन्वेंस डिटेल्स में नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट नंबर बी व्हेन द गुड्स ट्रांसपोर्ट इज फॉर अ डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर विद इन द स्टेट। यहां पे दो बातें ध्यान रखने वाली है, व्हीकल डिटेल्स को फिल करने का छुटकारा दिया जा रहा है। कब? अप टू 50 किलोमीटर, मतलब छोटा ही डिस्टेंस मान रहे हैं, वो भी इंट्रा स्टेट। अगर मैंने दिल्ली की बॉर्डर से हरियाणा में अगर गुड्स भिजवा दिए 2, 3, 5, 10 किलोमीटर तक, स्टिल उस केस में मुझे पार्ट नंबर बी में व्हीकल की डिटेल डालना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज बेटा जी वो हो जाएगा इंटर स्टेट मूवमेंट। ये क्या बात करी जा रही है? इंट्रा स्टेट मूवमेंट, सेकेंड कंडीशन अप टू 50 किलोमीटर। और सर ये मूवमेंट कौन सा हो सकता है? या तो कंसाइनर ने ट्रांसपोर्टर को भिजवाया कि भैया आगे भिजवा दो, या ट्रांसपोर्टर ने ये लिए हुए गुड्स कंसाइनी को भिजवा दिए, डज नॉट मैटर। कोई भी मूवमेंट हो आपको ईवे बिल से हम छुटकारा दे देंगे। छुटकारा मतलब पार्ट नंबर बी में व्हीकल की डिटेल से। गाइस पार्ट नंबर ए अभी भी चाहिए, पार्ट नंबर ए अभी भी चाहिए, पार्ट नंबर बी से वी विल अलाउ यू द एग्जेम्पशन। ओके, पार्ट नंबर ए इज स्टिल रिक्वायर्ड। चलो अब दो तीन स्पेशल केसेस देखते हैं। सपोज ये है गुड्डू ट्रक वाला, ये प्रैक्टिकल समझना, बिल्कुल आपके लिए सिंपल डायग्राम्स बना रखे हैं। ये गुड्डू ट्रक वाला, ये सपोज बीच में इसका यू नो गुड्स खराब हो जाते हैं, या गुड्स नहीं अपना व्हीकल खराब हो जाता है, या मल्टी व्हीकल्स इन्वॉल्व है, या किसी रीजन की वजह से गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है किसी और कन्वेंस में। फॉर एग्जाम्पल टिंकू ट्रक, अब ये गुड्डू ट्रक से कहा गया टिंकू ट्रक, या किसी शिप में, या किसी एयर वेसल में, एयर यू नो एयरक्राफ्ट में, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? आपको अपडेशन करना पड़ेगा ईवे बिल का। क्यों? बिकॉज व्हेन दिस ईवे बिल वाज जनरेटेड पार्ट नंबर बी वुड हैव बीन कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ गुड्डू ट्रक, बट नाउ वी हैव टू इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ टिंकू ट्रक और दिस वेसल और दिस एयरक्राफ्ट। ओके, सो डिटेल्स ऑफ कन्वेंस नीड टू बी अपडेटेड इन पार्ट नंबर बी। कब? बिफोर सच ट्रांसफर एंड फर्दर मूवमेंट। ट्रांसफर करने से पहले नए वाले की डिटेल्स अपडेट कर देना। और सर अपडेट कौन करेगा? कंसाइनर रेसिपिएंट हूसोएवर हैज फिल्ड द पार्ट नंबर ए, मतलब जिसने पार्ट ए फिल किया वही चीज उसी बंदे को क्या करना है? पार्ट नंबर ये बी का अपडेशन करना है। ओके, क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स कैन द ईवे बिल बी अपडेटेड विद इन द वैलिडिटी पीरियड? आई विल टेल यू द वैलिडिटी पीरियड इन अ कपल ऑफ मिनट्स। सो विद इन दैट ओवरऑल वैलिडिटी पीरियड यू कैन अपडेट द ईवे बिल एनी नंबर ऑफ टाइम्स, 2 बार, 10 बार, 100 बार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, असाइनमेंट ऑफ ईवे बिल टू अनदर ट्रांसपोर्टर, ये क्या केस होता है? ऊपर जैसा ही है कि सपोज इस पर्टिकुलर लेग ऑफ जर्नी के अंदर, मतलब जो मूवमेंट ऑफ गुड्स होने वाला है उसके अंदर लेट्स से 2 ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्वड है, एक मैं और एक मिस्टर रमेश। तो जब मेरा काम हो जाएगा आई विल असाइन द ईवे बिल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसको असाइन हो जाएगा तो वो अपनी डिटेल्स उसके अंदर डाल के ईवे बिल के थ्रू आगे कंटिन्यू करेगा। क्यों? क्योंकि सर जब वो मूवमेंट करेगा तो ईवे बिल के पार्ट नंबर बी में रमेश के डिटेल्स होनी चाहिए, बस ये उसका कंसेप्ट है। तो देखो, For updating the information, this assignment is happening for updating the information in part B for further movement of consignment. Post updation, it cannot be assigned to any other transporter. अगर रमेश को असाइन किया है तो रमेश के ही डिटेल्स इसके अंदर जाएंगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टर कौन हो सकता है? रजिस्टर्ड या इनरोल्ड, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल कंसाइनमेंट्स। अब देखना इसके अंदर क्या हो रहा है। ये ट्रक है, इस ट्रक के अंदर मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 कंसाइनमेंट्स है। मैंने एग्जांपल ट्रक का लिया, ये वेसल भी हो सकता है, ये एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी और मिस्टर ई का इसके अंदर कंसाइनमेंट्स है। तो बेसिकली दिस इज अ केस ऑफ मल्टीपल कंसाइनमेंट्स इन वन कन्वेंस। नाउ एज अ पर्सन, एज द ट्रांसपोर्टर, आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल कैरिंग द गुड्स, वाइल डूइंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, मुझे 1, 2, 3, 4, 5 ईवे बिल रखने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिवली मेरे लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, तो लॉ कहता है एक काम कर लो, आप एक ट्रिप शीट बना लो। ट्रिप शीट मतलब आप एक ईवे बिल 02 फिल कर लो, दिस इज अ कॉन्सोलिडेटेड ईवे बिल। कॉन्सोलिडेटेड ईवे बिल is a mere information kind of a statement which will contain the ईवे बिल details of these 5 consignments. तो मुझे 5
कैरी करना और पांच दिखाने की बजाय मैं एक EWB02 दिखा दूंगा। जब EWB02 EWable 2 जनरेट किया जाएगा तो इंडिविजुअली सबकी डिटेल्स इसके अंदर बताई जाएंगी, ठीक है? तो देख लो, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ट्रांसपोर्टर में इंडिकेट द सीरियल नंबर ऑफ ऑल द जनरेटेड EWables ऊपर पांच जनों का इलेक्ट्रॉनिकली ऑन अ कॉमन पोर्टल, that is a consolidated e-way bill in form GST EWB02, it may be generated before the movement of goods। ऐसा नहीं कि आप पांच e-way bill लेकर निकले, आधे घंटे के बाद लगा तो वहीं पे ट्रक रोक के EWB02 भर दिया, no, this also needs to happen before the movement of these five consignments in my conveyance, ठीक है? Very very important, consolidated e-way bill does not have any independent validity period, guys please understand, मैं आपको भी validity period बताने वाला हूँ अगली पेज के अंदर। ईवे बिल का जो वैलिडिटी है वो हर एक कंसाइनमेंट से लिंक्ड है। ईवे बिल 02 का अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक सम टोटल है, वो एक सारी डिटेल्स इंक्लूड करता है इंडिविजुअल ईवे बिल के बारे में। तो वैलिडिटी वगैरह सारी इंडिविजुअल ईवे बिल्स की ही रिटेन करी जाएगी, बट ये जो कंसोलिडेटेड ईवे बिल बनाया जा रहा है दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ओके? सो कंसोलिडेटेड ईवे बिल डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट वैलिडिटी पीरियड, इंडिविजुअल ईवे बिल्स विल हैव देयर ओन वैलिडिटी पीरियड एंड रिस्पेक्टिव कंसाइनमेंट शुड रीच अकॉर्डिंगली। मतलब लेट्स से मिस्टर ए का वैलिडिटी पीरियड है 2 दिन का, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है पांचों का साथ में, उसमें ए का मूवमेंट जो है, ए का कंसाइनमेंट 2 दिन के अंदर अंदर ऑफलोड हो जाना चाहिए। लेट से ई का 3 दिन है तो 3 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है? एंड गाइस आल्सो पॉइंट टू बी नोटेड, ईवे बिल 02 दैट इज योर कंसोलिडेटेड ईवे बिल, इट इज ऑप्शनल इन नेचर, नॉट मैंडेटरी, ओके? चलो नेक्स्ट, इंडिविजुअल कंसाइनमेंट अगर अप टू 50,000 है बट एग्रीगेट ऑफ ऑल इन कन्वेंस 50,000 से ज्यादा है, इस केस में लेट से मैं पांच जनों का लेके जा रहा था, एक 10,000 का, एक 5,000 का, एक 11,000 का है, टोटल मिला के 50,000 के ऊपर है लेकिन इंडिविजुअली 50,000 से कम है। नाउ टेल मी वन थिंग, दिमाग को थोड़ा खोलो, सारी चीजें आपको रटनी नहीं है। अप टू 50,000 अगर इंडिविजुअल कंसाइनमेंट है तो मिस्टर ए बी सी डी ई के कंसाइनमेंट्स के रिस्पेक्ट में वुड देयर हैव बीन एन ईवे बिल जनरेटेड, आंसर इज नो बिकॉज थ्रेशोल्ड इज नॉट क्रॉस्ड। बट नाउ मी एज अ ट्रांसपोर्टर व्हेन आई कंबाइन ऑल द कंसाइनमेंट्स इन माय कन्वेयंस, डू आई नीड टू गो फॉर ईवे बिल जनरेशन बिकॉज द टोटल ऑफ ऑल द कंसाइनमेंट्स इज एक्सीडिंग 50,000? तो आपको देखना है कि उस केस में इंटर सप्लाई हो रही है या इंट्रा सप्लाई हो रही है, एंड सेकेंड रोड के थ्रू हो रही है या वेसल या एयरक्राफ्ट के थ्रू हो रही है या रेलवे के थ्रू हो रही है। आओ, इंडिविजुअल कंसाइनमेंट्स अप टू 50,000 तो इंडिविजुअल ईवे बिल तो आपके जनरेट नहीं हुए, बट एग्रीगेट ऑफ ऑल इन कन्वेंस इज मोर देन 50,000, सो कंसाइनर और कंसाइनी मस्ट नॉट हैव जनरेटेड ईवे बिल। अब अगर ये इंट्रा सप्लाई है तो आपको भी जनरेट नहीं करना, मतलब ट्रांसपोर्टर को भी ईवे बिल जनरेट नहीं करना। आप लिख सकते हो यहां पर ट्रांसपोर्टर को भी जनरेट नहीं करना, ट्रांसपोर्टर डजंट हैव टू जनरेट ई वे बिल। क्या बात समझ में आई? हाँ सर, लेकिन अगर ये इंटर सप्लाई है और वो भी रोड्स के थ्रू, मतलब रोड के थ्रू, इट इज नॉट अ केस ऑफ वेसल, एयर और रेलवे, तो उस केस में ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो देखो, इंटर सप्लाई है देन द ट्रांसपोर्टर हैज टू जनरेट द ई वे बिल इफ द ट्रांसपोर्ट इज बाय द रोड। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ चुकी है। चलो, ईवे बिल का जो पार्ट नंबर ए होता है, पार्ट नंबर ए में आप उस कंसाइनमेंट की डिटेल्स डालते हो और यही डिटेल्स कंसाइनर के GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। ओके, दिस इज नथिंग न्यू, ये नॉर्मल सी बात है। और अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड हुआ, मतलब कंसाइनर अनरजिस्टर्ड हुआ, तो उसका GSTR1 तो होगा नहीं, तो उसको आप सिर्फ ईमेल के थ्रू या मेल के थ्रू जो है वो डिटेल्स, मेल के थ्रू या मोबाइल नंबर पे उसको एक SMS चला जाता है कि ऐसा ऐसा आपका सप्लाई हुआ है, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैंसलेशन ऑफ ईवे बिल, ये सारी छोटी छोटी बातें आपको MCQ में पकड़ पकड़ के पूछी जा सकती है, बट आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ईवे बिल का कैंसलेशन हो सकता है, आंसर इज येस हो सकता है, बट वो विद इन 24 आवर्स, प्रोवाइडेड उसका इंटरसेप्शन नहीं हुआ है, मतलब वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। वेरिफिकेशन मतलब रोक के अगर PO ने आपका चेक किया है तो वो GST पोर्टल पे उसका रेफरेंस आ जाता है। अगर वैसा नहीं हुआ तो विद इन 24 आवर्स कैंसिल कर देना, और ईवे बिल वैलिड होता है 15 डेज फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट बी अपडेशन। समझ में नहीं आया सर? पार्ट नंबर बी में आपके कन्वेंस एंड ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स जाती है। ओके, अगर मैंने पार्ट ए बना के छोड़ दिया, जनरली क्या होता है, कंसाइनर होता है या कंसाइनी होता है वो पार्ट नंबर ए भर के रख लेता है और फिर ट्रांसपोर्टर के थ्रू वो पार्ट बी भरवाता है। ओके, सो इन दैट केस पार्ट बी हैज टू बी फिल्ड विद इन 15 डेज ऑफ पार्ट नंबर ए जनरेशन। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट ए भर के उसको छोड़ दो, एक महीने बाद वो भर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। चलो, वैलिडिटी पीरियड ईवे बिल, यहां से सर सवाल आने के बहुत हाई चांसेस है, एकदम बढ़िया सा सवाल बन सकता है, बहुत ईजी है, स्टार्ट करते हैं।
इस टॉपिक का सिंपल रेफरेंस क्या है, गवर्नमेंट मानता है कि आप जो ईवे बिल जनरेट कर रहे हो तो उसकी एक वैलिडिटी है, मतलब उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर अंदर आपका गुड्स का मूवमेंट खत्म हो जाना चाहिए। बिकॉज नेचुरली अगर लेट से आपका एक 50 किलोमीटर का मूवमेंट है तो आपको 5 दिन नहीं लग सकते ना उस चीज के लिए। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अवॉइड टैक्स इवेजन, आपका उल्टा सीधा मूवमेंट आप बोलते हो वो सब हमें रोकना है। तो अगर ईवे बिल जनरेट हुआ सर, वो जनरेट कम माना जाएगा, उसका क्या कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप वैलिडिटी पीरियड को समझ लो कि उस वैलिडिटी के अंदर अंदर गुड्स का मूवमेंट खत्म हो जाना चाहिए। अगर वैलिडिटी खत्म हो चुका है और फिर भी आपके गुड्स मूवमेंट के अंदर पकड़े जाते हैं, यू विल फेस द पेनल प्रोविजंस। ओके, अब इसके अंदर दो कैटेगरीज बनती है। कैटेगरी नंबर वन है बेसिकली नो ओवर डायमेंशनल कार्गो इज इन्वॉल्व एंड नो शिप इज इन्वॉल्व। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, सारा रट्टा नहीं मार पाऊंगी। ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। एग्जांपल ये ओवर डायमेंशनल कार्गो, अब ये तो बहुत धीरे चलेगा, यू कैनॉट कंपेयर दिस टू अ ट्रक। ट्रक रात को तो अपना हाईवे पे खींच लेगा स्पीड, ये इसकी तरह कंपीट नहीं कर पाएगा। तो जब ओवर डायमेंशनल कार्गो इन्वॉल्व होता है या फिर किसी एक लेग के अंदर अगर शिप इन्वॉल्व है, सर एक लेग मतलब फॉर एग्जाम्पल गुड्स का मूवमेंट हो रहा है दिल्ली से कोची, तो लेट से गुड्स जा रहे दिल्ली से मुंबई, फिर मुंबई से कोची वो शिप के थ्रू जा रहे हैं, मतलब टोटल मूवमेंट के अंदर एक ना एक बार शिप इन्वॉल्व है, तो शिप की भी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो ओवर डायमेंशनल कार्गो एंड शिप के केस में आपका ये कैटेगरी नंबर टू लगता है। बचे हुए के केस में आपका ये लगता है, मतलब एयरक्राफ्ट हो गया, रोड कन्वेंस हो गया या रेलवे हो गया, तो उस केस में आपका ये वाला केस लगेगा। ठीक है, चलो अब आओ, अप टू 200 किलोमीटर अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है कंट्री के अंदर, देन वैलिडिटी पीरियड इज वन डे। आप समझ रहे हो, 200 किलोमीटर तक गवर्नमेंट मान रही है आपका एक दिन में ट्रेवल हो जाएगा। ओके, एक्सेप्ट ओवर डायमेंशनल कार्गो एंड एक्सेप्ट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, ये मैंने आपको बता दिया। अब सर ये वैलिडिटी पीरियड जो आप बोल रहे हो वन डे, ये गिनना कब से, रेलिवेंट डेट से। सर रेलिवेंट डेट, दो मिनट रुक जाओ, मैं आपको अभी आगे बता दूंगा रेलिवेंट डेट, लर्न करो मेरे साथ। अप टू 200 किलोमीटर आपकी गाड़ी एक दिन के अंदर अंदर ट्रेवल करनी चाहिए, उसके आगे एडिशनल एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, पार्ट देयर ऑफ मतलब लेट्स से 240 किलोमीटर हो गया टोटल, तो 200 पहला यहां तक चला जाएगा, अगला 40 यहां पे चला जाएगा, तो पार्ट देर ऑफ, तो अगला 200 और पार्ट देर ऑफ वी विल गिव यू वन एडिशनल डे। तो लेट्स से अगर मुझे 440 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो 200 और 200 उसका आगे कितना चला गया, दो दिन, प्लस 400 प्लस 40, तो आगे पार्ट देर ऑफ 40 का वन एडिशनल डे, तो आपको एक दिन और मिल जाएगा, तीन दिन। कहानी क्लियर हो रही है, सिंपल आपको कैलकुलेशन करना है। अब सर बात बताओ, अगर ये ओवर डायमेंशनल कार्गो या फिर मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच शिप इज इन्वॉल्व एटलीस्ट वंस, मल्टी मॉडल मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, यहां से मुंबई गाड़ी से गया, आगे शिप से गया, तो मोर देन वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इन्वॉल्व, लेकिन एक ना एक शिप में होना चाहिए। कहानी को बदल रहा हूं ध्यान से सुनना, मैंने गुड्स दिल्ली से मुंबई में भेजे गाड़ी के थ्रू और मुंबई से कोची गए एयरक्राफ्ट के थ्रू, तो उस केस में ये वाला केस नहीं लगेगा, मतलब शिप इन्वॉल्व नहीं है तो यही वाली कैटेगरी लगेगी। आई थिंक कहानी क्लियर हो रही है। अब इस वाले में आ जाओ, जैसे यहाँ पे 200 किलोमीटर पे एक दिन दिया था, यहाँ पे 20 किलोमीटर पे एक दिन दे रहे, मतलब उसका बराबर से 10%। तो गवर्नमेंट मानती है ये वाले जो ट्रक्स होते हैं या शिप होती है, ये बड़े बड़े ओवर डायमेंशनल कार्गो, ये उसका 10% स्पीड ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो पर 20 किलोमीटर आपको वन डे मिला जाएगा, आगे एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर आफ्टर वन एडिशनल डे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 30 किलोमीटर हुआ तो उस केस में कितना होगा, 2 डेज। आई थिंक कहानी क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं कि सर ये रेलिवेंट डेट कैसे गिननी है। लेट्स से मैंने आज के दिन 2 अप्रैल 2024 को दोपहर को 2 बजे अगर मैंने जनरेट किया है ईवे बिल, तो मेरा ये टाइम कब से स्टार्ट होगा, 2 बजे से स्टार्ट होगा या रात को 12 बजे से स्टार्ट होगा या अगले दिन से स्टार्ट होगा, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते आ जाओ। रेलिवेंट डेट का मतलब होता है डेट ऑफ ईवे बिल जनरेशन। ईवे बिल जनरेशन आपकी रेलिवेंट डेट होगी और वैलिडिटी पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द एग्जैक्ट टाइम ऑफ जनरेशन। दोबारा समझो, रेलिवेंट डेट क्या होती है, जिस दिन आपने ईवे बिल जनरेट किया। सर ईवे बिल जनरेट क्या मतलब, पार्ट नंबर बी में जब आपकी एंट्री गई, पार्ट नंबर ए नहीं, पार्ट नंबर बी में आपकी जब एंट्री गई तभी तो वो पूरा माना जाएगा ना ईवे बिल। पार्ट नंबर ए भरने के बाद 15 दिन मिलते पार्ट नंबर बी भरने के लिए, इन विच द कन्वेंस डिटेल्स आर पुट इन। तो पार्ट नंबर बी में जब एंट्री करी जाएगी उस दिन माना जाएगा आपका, उस डेट को और उस एग्जैक्ट टाइम को, उस एग्जैक्ट टाइम पे आपका ईवे बिल जो है
जनरेट करा हुआ माना जाएगा। अब सर मुझे एक बात बताओ, अगर पार्ट बी में दूसरी तीसरी चौथी एंट्री भी हो रही है तो उस केस में दोबारा रिकैलकुलेट नहीं करना। एक ईवे बिल के अंदर आपके जो भी पहली एंट्री होगी पार्ट नंबर बी में, उस दिन से आपका वो ईवे बिल वैलिड माना जाएगा। नाउ कम्स द इशू ऑफ काउंटिंग ऑफ डेज। काउंटिंग ऑफ डेज मतलब एक दिन, दो दिन, पांच दिन कैसे गिनना है, ध्यान से सुनना। योर डे विल, वन डे विल एक्सपायर ऑन नेक्स्ट डे मिडनाइट। रीड करो एक बार, काउंटिंग ऑफ डे, द पीरियड विच इज एक्सपायरिंग एट मिड नाइट ऑफ द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ द ईवे बिल जनरेशन। सिंपल एग्जाम्पल है ये, शायद मैंने अपने क्लास में लिया था, ये मैंने क्लास में लिया था, लेकिन हाँ देख सकते हैं इसको भी। क्लास वाले बच्चों याद आ रहा है एग्जाम्पल, लेट से 7 February 2024, इस दिन हमारा ये लेक्चर हुआ होगा। 7 February 2024 को शाम को मैं पढ़ा रहा था 6:49 PM, तो अगर उस दिन मैंने ईवे बिल जनरेट किया, ईवे बिल जनरेट किया मतलब बेटा जी पार्ट नंबर बी में पहली एंट्री गई है, तो इसका पहला दिन कब माना जाएगा, 8 तारीख को, मतलब अगले दिन 8 February 2024 को रात 12 बजे। मैं आपको दोबारा एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखो आपकी बुक का एग्जांपल है। सपोज एन ईवे बिल इज जनरेटेड एट 00:04, मतलब रात को 12:04 ऑन 14th of March, आगे पढ़ो मत। इसका अगला दिन कब होगा, 15 मार्च। 15 मार्च को रात को 12 बजे आपका वन डे खत्म किया जाएगा। तो अगर आपकी ईवे बिल की वैलिडिटी पीरियड वन डे है तो 15 की रात को 12 बजे तक आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स हो जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज एन ईवे बिल इज जनरेटेड एट 23:58 ऑन 14 मार्च। अब देखो इस मामले में फर्क क्या आ रहा है, ये 14 मार्च के एकदम स्टार्ट में ले लिया है, ये 14 मार्च के एकदम रात में ले लिया है, फर्क नहीं पड़ता। अगला दिन क्या होगा, 15 की रात को 12 बजे। तो इस केस में आपका एक दिन का बेनिफिट चला गया। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, द वन डे विल एक्सपायर ऑन नेक्स्ट, इमीडिएटली नेक्स्ट डे मिडनाइट, मतलब रात को 12 बजे। ठीक है, मतलब टेक्निकली जो डे आपका कन्वर्ट हो जाता है, तो आई डोंट थिंक इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आएगा। अब प्रैक्टिकली बताता हूं क्या होता है। सपोज गुड्स मैंने ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर किए फ्राइडे को, और ट्रांसपोर्टर गुड्स को आगे कैरी करने वाला है मंडे से। इट इज एडवाइजेबल कि मैं पार्ट ए भर के रखूं और ट्रांसपोर्टर पार्ट बी को मंडे को फिल करे और मंडे को जनरेट करे, ताकि उसका वैलिडिटी मंडे से स्टार्ट हो, मतलब ट्यूजडे की रात को उसका मंडे खत्म होगा। अगर मैंने अभी से ही पार्ट नंबर बी भर के, ट्रांसपोर्टर ने पार्ट नंबर बी फ्राइडे को भर दिया, तो सैटरडे संडे में ही उसके दिन खत्म हो जाएंगे। दिस इज अ प्रैक्टिकल पॉइंट, नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम्स। चलो चलो आगे चलो, आ जाओ एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड। अगर आपका लेट से किसी रीजन की वजह से योर मूवमेंट ऑफ गुड्स हैज नॉट येट कंप्लीटेड बट द ईवे बिल हैज एक्सपायर्ड, उसी टाइम आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टॉप करना पड़ेगा। जाओ वहीं पर रुक जाओ, हाथ ऊपर कर लो, ठीक है, जाओ वहीं पर रुक जाओ, मूवमेंट आप नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन पोर्टल पर एक्सटेंशन मांगना पड़ेगा। ओके, तो ये एक्सटेंशन दो केसेस में पॉसिबल है। तो एक जो है कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है कोई स्पेसिफिक गुड्स के केस में, कि कोई यू नो नेचर ऑफ गुड्स की वजह से कमिश्नर ने उसको एक्सटेंड कर दिया कि भैया ठीक है 2 दिन और दे देंगे, दैट इज ओके। मेन फोकस हमारा इस पे है कि सर ट्रांसपोर्टर एक्सटेंशन मांग सकता है पोर्टल पे लॉग इन करके। अब सर ये क्यों करेगा, ट्रांसपोर्टर को क्यों अलाउ किया, मुझे एक बात बताओ। गुड्स जब मूवमेंट हो रही है किसके हाथ में है, ट्रांसपोर्टर के हाथ में है, तो ट्रांसपोर्टर ही उनको यू नो कॉमन पोर्टल पे एक्सटेंशन जो है वो डिमांड करेगा ड्यू टू सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड आ गई है, या कोई रीजन की वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया है, वॉट एवर इट इज। ओके, सो देख लो इसके अलग अलग एग्जाम्पल, ट्रांसशिपमेंट इन्वॉल्व है, व्हीकल चेंज हो रहा है, एक्सीडेंट, नेचुरल कैलामिटी, सो ही हैज टू एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई एक्सटेंडिंग द वैलिडिटी। अब ये बात ध्यान रखना कि उसको एक्सटेंशन कब तक अप्लाई करना है, कर तो सकता है लेकिन कब तक, जब भी उसका ईवे बिल यू नो एक्सपायर हो जाएगा उसके विद इन 8 आवर्स, ये नहीं कि वो 2-3 दिन वेट करे। तो ये जनरली रात को 12 बजे एक्सपायर किया जाएगा, विद इन 8 आवर्स उसको अप्लाई करना है कि भैया दीज आर द रीजंस आई वांट टू गो फॉर एक्सटेंशन, 1-2 दिन उसको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ ईवे बिल। अब एक चीज जरा ध्यान से समझना, सपोज एक मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है मिस्टर लाला टू मिस्टर मामा, ठीक है, गलती से मिस्टर लाला ने ईवे बिल के अंदर रेसिपेंट में जीएसटीन में मेरा जीएसटीन डल गया ड्यू टू सम रीजन सम मिस्टेक, उसकी डिटेल्स मेरे पोर्टल पे शो हो गई और ये दिखाया गया कि मिस्टर लाला गवर्नमेंट की नजरों में क्या हो रहा है, मिस्टर लाला इज सेंडिंग सम गुड्स टू मी वेर एज आई एम नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, दिस अपियर्स टू बी अ जेन्युइन मिस्टेक। सो दिस इज अ मैकेनिज्म वेर इन द रेसिपियंट और सप्लायर, मतलब द अदर पार्टी जिसने जनरेट किया उसकी अदर पार्टी, या अगर ट्रांसपोर्टर ने जनरेट किया तो कंसाइनर एंड कंसाइनी, उनको ईवे बिल का एक्सेप्टेंस देना पड़ता है कि हाँ भैया ये गुड्स मेरे पास आ रहे हैं या ये गुड्स मैं भिजवा रहा हूं और आई एम एक्सेप्टिंग द मूवमेंट। ठीक है, वरना आगे पकड़े गए तो वो बेचारा उसमें पेनल प्रोविजंस में आ जाएगा। तो देखो कैंसिलेशन इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, कैंसिलेशन इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, कैंसिलेशन मतलब मैंने जनरेट करके कैंसिल किया, दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ ईवे बिल। तो डिटेल्स ऑफ ईवे बिल जनरेटेड शैल बी मेड अवेलेबल टू द सप्लायर अगर रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर ने जनरेट किया है, या फिर रेसिपिएंट अगर सप्लायर या ट्रांसपोर्टर ने रजिस्टर किया यू नो जनरेट किया ईवे बिल, मतलब अदर पार्टी, विच एवर इज द अदर पार्टी,
एंड इट शेल बी मेड अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल। अब इस चीज का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है, दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स और 72 आवर्स विच एवर इज अर्लियर। मतलब मोटा मोटा 3 दिन या अगर उससे पहले डिलीवरी हो गई तो फिर विच एवर इज अर्लियर। तो जनरली क्या होता है, ध्यान रखना पड़ता है पोर्टल पे कि अगर कहीं पे ऐसा कोई ईवे बिल की इन्फॉर्मेशन आ रही है जो आपने नहीं मंगवाया है, आप इन्वॉल्व नहीं हो, फटाफट से उसको रिजेक्ट कर देना ताकि उसको इन्फॉर्मेशन चली जाए एंड द पर्सन विल करेक्ट यू नो रेक्टिफाई द मिस्टेक। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया एक्सेप्टेंस रिजेक्शन तो डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, माना जाएगा कि आपके पास ये गुड्स आ रहे हैं या फिर आप गुड्स भिजवा रहे हो। ठीक है, चलो सर, ईवे बिल क्रॉस एम्पावरिंग है, मतलब सीजीएसटी के अंदर जनरेट किया तो एसजीएसटी के अंदर भी रहेगा, टैक्स उसका जो भी इन्वॉल्व होगा दैट इज ओके। सर्टेन पॉइंट्स टू बी नोटेड, व्हीकल नंबर इज रिक्वायर्ड ऑन ईवे बिल पार्ट नंबर बी, अदरवाइज इट इज इनवैलिड बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ रोड, ये मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट है, यू कैनॉट करेक्ट योर ईवे बिल, यू कैनॉट एडिट योर ईवे बिल, मतलब कोई गलती हुआ तो आपको कैंसिलेशन करना पड़ेगा वो भी विद इन 24 आवर्स। ठीक है, ईवे बिल का अपडेशन कितने भी टाइम हो सकता है, जैसे व्हीकल चेंज हो गया तो आप उसका अपडेशन कर दो, लेकिन कोई गलती हो गई है तो उसका एडिट नहीं कर सकते। कैंसिलेशन क्या होता है, खत्म कर दो। एडिट क्या होता है कि अपडेट नहीं कर रहे हो, व्हीकल नंबर गलत डल गया, एडिट नहीं कर सकते आप, लेकिन अपडेशन व्हीकल ही चेंज हो रहा है तो यू कैन डू दैट एनी नंबर ऑफ टाइम्स विद इन द वैलिडिटी पीरियड। ईवे बिल शुड ऑलवेज कंटेन द लेटेस्ट व्हीकल नंबर इन केस द गुड्स आर चेक, फॉर एग्जाम्पल गुड्डू ट्रक वाले से टिंकू ट्रक वाला ट्रांसफर हुआ है तो उसी टाइम आपको ईवे बिल भी अपडेट करना है। अगर टिंकू वाले के पे टिंकू के पास जब गुड्स थे, इफ द गुड्स आर इंटरसेप्टेड एंड चेक्ड और ईवे बिल के अंदर अगर गुड्डू का ही डिटेल आ रहा है तो वो गलती माना जाएगा, पेनल प्रोविजन इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक इनवॉइस एक ईवे बिल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं कंसाइनर, मिस्टर रमेश है कंसाइनी, हमारे बीच में 5 इनवॉइस है, मैंने उसको 5 इनवॉइसेस भेजे और मैंने गुड्स भिजवा दिए तो 5 इनवॉइस के बदले में 5 ईवे बिल होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट कंसाइनर कंसाइनी आर सेम पार्टीज। ओके, बट येस उस केस में आप कॉन्सोलिडेटेड ईवे बिल में जा सकते हो EWB02 के थ्रू। ओके, नाउ ये एक अगेन इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से सवाल आपको मतलब बन सकता है, स्पेसिफिक सवाल बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है। देर आर 15 केसेस इन विच ईवे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, हार्ड कोर रट्टाफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दीज केसेस। दो बार अच्छे से लिस्ट को रीड करना, एमसीक्यू आए या कोई लिमिट आए तो आप उसको पकड़ पाओ। आ जाओ पेज नंबर 31 पे, 31 आ जाओ। अब ये है आपका केस नंबर 1, ये 8 गुड्स है इसके अंदर, इन 8 गुड्स को अच्छे से दो बार रीड करना है, ब्लू वाली बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी। आओ, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फॉर सप्लाई टू हाउसहोल्ड एंड नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, अगर डोमेस्टिक में नहीं जा रहे तो उस केस में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होनी चाहिए, नॉन डोमेस्टिक नॉन एग्जेम वहां पे आपको चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, केरोसिन ऑयल सोल्ड अंडर PDS बोले तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये पब्लिक के लिए बेनिफिट रहता है, ईवे बिल वगैरह से उसको छुटकारा दिया जा रहा है। पोस्टल बैगेज विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब प्राइवेट पैसेंजर नहीं लेके जा रहे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लेके जा रहे हैं तो वो भी उस केस में नहीं चाहिए। नेचुरल कल्चरल पर्ल्स, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन, प्रेशियस मेटल, मेटल क्लैड विद प्रेशियस मेटल, ये थोड़े एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं, ईवे बिल पे इन्फॉर्मेशन मत देना कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई, बिकॉज आप इतना सारा डिस्क्लोज करोगे इसकी कंसाइनमेंट वैल्यू भी जनरली हाई जाएगी, तो आप उसके अंदर मत पड़ो, आप किसी को मत बताओ, चुपचाप लेके जाओ। ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ, सिल्वरस्मिथ वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स, ये भी ड्यू टू द सेम रीजन, बट अगर इमिटेशन ज्वेलरी है तो वो तो सस्ती होती है तो उस केस में आप ईवे बिल जनरेट कर लेना 50,000 के ऊपर हुआ तो। करेंसी फॉर ऑब्वियस रीजंस, ATM वगैरह की जो करेंसी फिल करी जाती है वो तो भैया फिर 10 लाख पता नहीं कितनी 20 लाख 30 लाख की होगी, वो आपको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, पता चले आप दो और कहीं से आपकी कोई चोरी वोरी हो जाए तो वो मत दो। यूज्ड पर्सनल एंड हाउसहोल्ड इफेक्ट्स, इसके ऊपर भी हमें कोई डिटेल्स नहीं चाहिए, अगर आपका टैक्सेबल भी है ये कहीं पे वी डोंट वॉन्ट ईवे बिल। कोरल अनवर्क्ड एंड वर्क्ड कोरल, ये आई थिंक कोई एक स्पेसिफिक एक स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल या कुछ रहता है, मैं इसको एक बार चेक करूंगा, मैं इसका एक वो डाल दूंगा आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, बट एज फार एज आई रिमेंबर ये कोरल वो उसका टाइप ऑफ वो रहता है, इट इज क्लासिफाइड, इसका HSN कोड वगैरह सब कुछ है, तो उस केस में भी आपको जो है GST नहीं चाहिए, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू नेम, चाहे अनवर्कड हो चाहे वर्कड हो, कोरल पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। नेक्स्ट, व्हेन द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज्ड कन्वेयंस, मतलब रोड के ऊपर तो जा रहा है लेकिन मोटर नहीं लगी हुई है, मोटर नहीं लगी हुई मतलब जैसे बुलक कार्ट हो गया, साइकिल हो गया, उस केस में अपने को ईवे बिल नहीं चाहिए। कस्टम्स के रिस्पेक्ट में मूवमेंट हो रहा है एक कस्टम्स रिलेटेड जगह से दूसरे कस्टम्स रिलेटेड जगह फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स क्लियरेंस, इसकी डिटेल्स आप ना लर्न करो, नाम ना लर्न करो तो चल जाएगा, बेसिकली
कस्टम्स क्लियरेंस के लिए उसी के एक पोर्ट से उसके दूसरे स्टेशन के पास उन्हीं के एरिया के अंदर मूवमेंट करी जा रही है। नेक्स्ट नोटिफाइड एरियाज होते हैं कुछ, ये आपको लर्न नहीं करने क्योंकि अभी कोई नोटिफाइड नहीं है। एग्जेम्प्ट गुड्स तो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको टैक्सेबल पे हमारा फोकस है, सिर्फ एग्जेम्प्ट गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसका तुम कंसाइनमेंट वैल्यू में भी नहीं चेक करते थे, तो आपको ये बिल की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट आपका नॉन टैक्सेबल गुड्स, नॉन टैक्सेबल गुड्स आपके दो प्रकार के ही है, आपके पांच पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स, डीजल, पेट्रोल वो सारा, एंड आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो वहां पे तो जीएसटी का नाता ही नहीं है, तो ईवे बिल कहां से आपसे लेंगे। अच्छा, इफ इट इज ट्रीटेड एज नॉन सप्लाई, अगर कहीं पे गुड्स का मूवमेंट किया जा रहा है जो शेड्यूल नंबर 3 में कवर किया जा रहा है, जैसे कोई वेयरहाउस गुड्स वगैरह का सेल किया जा रहा है या व्हाटएवर इट इज, इफ इट इज लिंक्ड टू शेड्यूल नंबर 3 जो कि सप्लाई नहीं है, जीएसटी के अंदर ही नहीं है, तो ईवे बिल क्यों आपसे लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला ये कस्टम्स रिलेटेड मूवमेंट है, एक डिपो से पोर्ट के पास या किसी स्टेशन या पोर्ट से किसी अदर स्टेशन या पोर्ट के पास, विच इज हैपनिंग अंडर कस्टम्स बॉन्ड, तो बॉन्ड साइन करके दिया है इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जो भी पर्सन इन्वॉल्व है, एंड कस्टम्स रिलेटेड मूवमेंट है, तो इसको भी पूरा डिटेल में आप रट्टा मत मारना चलेगा। एंड इट इज हैपनिंग अंडर कस्टम्स सुपरविजन और कस्टम्स सील, मतलब कस्टम्स से रिलेटेड मूवमेंट है, पूरा उनके सुपरविजन के अंदर है, बॉन्ड के अंदर है। नेक्स्ट आपका नेपाल भूटान, बेसिकली अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं आज ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम और टू नेपाल और भूटान, यहां से नेपाल जाने वाले हैं, नेपाल से इधर, तो नेपाल भूटान का अगर इन्वॉल्वमेंट है एज अ ट्रांजिट कार्गो, उस केस में भी आपको ईवे बिल की जरूरत नहीं है। चलो, ये वाला जो पॉइंट है मैं आपको थोड़ा सा हैंड रिटन से करवाऊंगा क्योंकि इसके अंदर मैंने डायग्राम बनाया, दैट विल बी इजियर फॉर यू। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर अगर डिफेंस फॉर्मेशन, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व है एज अ सप्लायर और रेसिपिएंट, मतलब एज अ कंसाइनर और कंसाइनी, तो भैया पिक्चर में अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ गई तो उस केस में ईवे बिल की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंशियल डेटा हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या मंगवा रही है, कितने का मंगवा रही है, शायद उस रीजन की वजह से यहाँ पे मना करा गया है। नेक्स्ट, अगर कंसाइनर ऑफ गुड्स इज गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सो सेंडर इज द गवर्नमेंट, एंड आई एम टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट रेल, रोड, वेसल, एयर के केस में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, अगर रेल के थ्रू है तो उस केस में ईवे बिल से एग्जेम्पशन है। नेक्स्ट, एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, तो इसमें अंदर कुछ ही समझना है, एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स जा रहे हैं फिर उसके अंदर कुछ फिल होके आएगा तो उस टाइम ईवे बिल हो जाएगा, अभी आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आपको गुड्स को वे करवाना था, जैसे गुड्स का ना जब बहुत बड़े बड़े गुड्स होते हैं तो उसका वेइंग स्केल हमारे घर जैसा नहीं होता, उसका एक अलग होता है, तो कभी कभार हम वे करवाने के लिए पास में भेज सकते हैं कि यार उनके पास एक सर्विस है वहां जाके आप वे करवा के आ जाओ, तो वो ट्रक वगैरह भी जाता है वहां पे, तो उस केस में अगर आप अप टू 20 किलोमीटर भेज रहे हो गुड्स को टू वे द गुड्स, द पर्पज इज टू वे द गुड्स एंड आपने डिलीवरी चलान भी दिया है, तो ईवे बिल से छुट्टी मिल जाएगी। नेक्स्ट, एम्प्टी सिलेंडर्स भेजे जा रहे हैं फॉर पैकिंग ऑफ एलपीजी एंड दे आर बीइंग मूव्ड फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, मतलब मैं एम्प्टी सिलेंडर्स जो कि यूज किए जाते हैं एलपीजी के लिए वो मैं बेच नहीं रहा, वो जाएंगे उसके अंदर एलपीजी फिल किया जाएगा, सो आई एम नॉट डूइंग सप्लाई ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर्स बट दैट इज अ मियर मूवमेंट ताकि उसके अंदर कल को एलपीजी आएगा, फिर उस टाइम जब एलपीजी भर जाएगा तो ईवे बिल चाहिए नहीं चाहिए वो डिपेंड करेगा हमारी पहली वाली एंट्री पे, ठीक है, क्योंकि ये भी एलपीजी से लिंक थी, बट इस लिस्ट को आप दो बार अच्छे से करना, उससे ज्यादा आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब जो हमने एक पॉइंट छोड़ा है वो देख लो, सीएसडी, ये जो हमारा कैंटीन होता है, दैट इज योर कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, अगर यहां से गुड्स का सप्लाई किया जा रहा है टू यूनिट रन कैंटीन या फिर ऑथराइज कस्टमर्स, ये यूनिट रन कैंटीन क्या करती है, अपने ऑथराइज कस्टमर्स को आगे गुड्स सप्लाई करती है, डिफेंस वगैरह आर्मी के लोगों को यू नो यहाँ पे गुड्स मिलते हैं बहुत ही सस्ते दाम पे, तो उस केस में भी आपको जो है यू डोंट हैव टू जनरेट ईवे बिल। एंड नेक्स्ट एक स्पेसिफिक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी अगर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हेवी वाटर या फिर न्यूक्लियर वाटर, ये थोड़े स्पेसिफिक टर्म से आपको लर्न करने हैं, इसका मूवमेंट कर रही है तब भी ईवे बिल की जरूरत नहीं है। कुछ दो बातें और यहां से इंपॉर्टेंट निकली थी वो मैंने आपको बताई है, इमिटेशन ज्वेलरी के केस में ईवे बिल आपको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट अपना एक ये डी ऑयल्ड केक, ये मैंने पीछे नहीं बताया आप सुन लो, डी ऑयल्ड केक के केस में आपको ईवे बिल चाहिए, ये एक्चुअली एग्जेम्प्ट रहता है जीएसटी से, ये एग्जेम्प्ट रहता है जीएसटी से, तो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताया था ना आपका ये रहा कि व्हेन द गुड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स तो उस केस में आपको ईवे बिल नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये डी ऑयल्ड केक है डिस्पाइट बीइंग एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी स्टिल ईवे बिल इज रिक्वायर्ड। चलो, अब हमारी सारी बातें बाकी हो चुकी है, नाउ वी विल जस्ट गो फॉर वन सिंपल पार्ट विच इज स्पेसिफिकली लिंक टू ईवे बिल, बाकी तो मूवमेंट वगैरह के रिस्पेक्ट में इस चैप्टर में काफी सारी चीजें इन्वॉल्व है, बट अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ईवे बिल के रिस्पेक्ट में, दैट इज योर किंग ऑफ ईवे बिल जनरेशन फैसिलिटी, मतलब अगर ये केसेस हुए चार तो आप ईवे बिल जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अदर पार्टी कैन नॉट डू इट, यस अदर पार्टी कैन डू, आप एक्सेप्ट कर सकते हो लेकिन आप जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आपका बेसिकली पार्ट नंबर ए ब्लॉक हो जाएगा, पार्ट ए के बिना आपका आगे यू नो ईवे बिल बनेगा ही नहीं। सो द ब्लॉकिंग इज ओनली हैपनिंग फॉर डिफॉल्टिंग सप्लायर जीएसटी, नॉट फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर, सो अदर पार्टी कैन जनरेट एंड द सप्लायर कैन एक्सेप्ट बट द सप्लायर कैन नॉट जनरेट।
आ जाओ सर, ब्लॉक किस किस केस में किया जाएगा? दिस इज बेसिकली ब्लॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इफ अंडर कंपोजिशन स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर टू कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। तो क्वार्टरली जो आपको पेमेंट ऑफ टैक्स की स्टेटमेंट देनी पड़ती है सीएमपी 08 के अंदर कंपोजिशन वालों को, उसने टू कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में नहीं भेजा तो 6 महीने का टोटल डिफॉल्ट हो चुका है। रेगुलर स्कीम के अंदर हो एंड नॉट फर्निश रिटर्न्स फॉर टू कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड, या फिर रेगुलर स्कीम के अंदर हो और आपने जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करी फॉर टू मंथ्स और टू क्वार्टर्स, इसके अंदर आईएफएफ फैसिलिटी कवर नहीं है। सो टू कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स के लिए आपने रिटर्न मतलब आपने 3B की फाइलिंग नहीं करी है, टैक्स पीरियड आपका डिपेंड करता है मंथली वाले हो या क्वार्टरली वाले हो, जीएसटीआर 1 भी सेम टू मंथ्स या टू क्वार्टर्स, क्यूआरएमपी में क्वार्टर आ जाता है, तो उस केस में आपने जीएसटीआर 1 की फाइलिंग नहीं करी, अगेन टू कंसेक्यूटिव होंगे या टू कंसेक्यूटिव रहेंगे आपके, तो आपका ईवे बिल हम रोक देंगे। एंड इसके अंदर आईएफएफ कवर्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि आईएफएफ जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक ऑप्शनल चीज है फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द आईटीसी, ठीक है। नेक्स्ट, आपका रजिस्ट्रेशन अगर सस्पेंड हो रखा है, कैंसिलेशन वगैरह से पहले सस्पेंशन किया जाता है, चैप्टर नंबर 8 में बात करी थी, तो जब सस्पेंड हो गया तो आपका सब कुछ रुक जाता है, तो आप ईवे बिल भी जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो लोग हैं वो फिर भी एक बार रिक्वेस्ट करके यू नो कमिश्नर को एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर सुनो ना, गलतियां हुई है सर, गलतियां हुई है माना ना, लेकिन मेरे को ईवे बिल प्लीज जनरेट करने दो, इस केस में मुझे करने की जरूरत है, तो उस केस में कमिश्नर अलाउ कर सकता है फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वरना मना कर देगा। ओके, तो सफिशिएंट कॉज अगर शो किया तो कमिश्नर मे अलाउ फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कि आप कर लो ईवे बिल जनरेशन, बट दैट विल बी सब्जेक्ट टू सर्टन प्रिस्क्राइब कंडीशंस, एंड अगर कमिश्नर रिजेक्ट करने वाला रिक्वेस्ट तो उस केस में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक लास्ट बात, अगर ईवे बिल का कंप्लायंस नहीं किया तो आपके ऊपर दो सेक्शंस जो है धड़ाम तरीके से लगा दिए जाएंगे, एक है 122, एक है 129। 129 में कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस हो सकता है, 122 में आपके ऊपर पेनल प्रोविजंस आ जाएंगे, टैक्स इवेजन और 10,000 व्हिचएवर इज हायर। ये मोटा मोटा आपका ईवे बिल जनरेशन के रिस्पेक्ट में बातें थी। मेन फोकस करना है कि रिक्वायरमेंट कब होती है, वो 50,000 वाले वैल्यू का क्वेश्चन आपको आ सकता है, ईवे बिल कब कब रिक्वायर्ड नहीं है वो आ सकता है, वैलिडिटी पीरियड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 स्टार टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। सो ये था आपका ईवे बिल के रिस्पेक्ट में, दिस वॉज अ स्पेसिफिक टॉपिक रिवीजन, आई होप दिस वॉज यूजफुल, हमने टाइम लगाया काफी 40-45 मिनट्स क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप दिस वॉज यूजफुल, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।